हेलो एंड वेलकम टू ओपेरिनिस्टिक। आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे सिकंदर के आक्रमण के बारे में। सिकंदर, जिन्हें अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं में इनका नाम शुमार है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज facebook.com/operinistic को भी कृपया ज़रूर लाइक करिएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं सिकंदर के आक्रमण के बारे में, यानी अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। सबसे पहले अलेक्जेंडर के बारे में जानें। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में हुआ और इनकी मृत्यु 323 बीसी में हुई थी। ही वॉज द सन ऑफ फिलिप सेकेंड ऑफ मैसिडोनिया। तो मैसिडोनिया के फिलिप सेकेंड के बेटे थे और बचपन से ही इनके अंदर वीर योद्धाओं के गुण थे। और अलेक्जेंडर भारत में कब आए? 326 बीसी में आए। यहाँ पर आप एक कोरिलेशन लगा सकते हैं कि 326 बीसी में भारत को इन्वेड करने के लिए, भारत पर आक्रमण किया अलेक्जेंडर ने, और 323 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। यानी भारत आने के मात्र 3 वर्ष बाद सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 बीसी में, उस समय जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी अभी पंजाब, पाकिस्तान का जो एरिया है, अफगानिस्तान का जो एरिया है, इनकी बात हो रही है। ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बटा हुआ था, जैसे तक्षशिला, पंजाब, गांधार वगैरह वगैरह। तो ऐसे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जहाँ के जो राजा थे वो अलग अलग विचारधाराओं के थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो वहाँ पे उसी क्षेत्र से सिकंदर का जो आक्रमण था वो शुरू हुआ था। सिर्फ सिकंदर ही नहीं, इनके बाद आने वाले जो भी आक्रमणकारी थे, अधिकतर जो आक्रमणकारी उसी क्षेत्र से आते थे। एक्चुअली वही जो एरिया था वो बाकी एशिया से इस क्षेत्र को जोड़ता था, तो वहीं से अधिकतर आक्रमणकारी भारत में आए। और उस क्षेत्र में, जैसा कि मैंने अभी बोला कि तक्षशिला, पंजाब, गांधार वगैरह वगैरह बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जिनके राजा आपस में लड़ते रहते थे, उनमें आपस में मतभेद थे और एक दूसरे का वो कभी भी साथ नहीं देते थे। तो इस चीज़ का काफ़ी फायदा मिला सिकंदर को भी। पोरस ने सिकंदर के विरुद्ध एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ हिडेस्पस या बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं। झेलम नदी के किनारे ये लड़ाई हुई थी। ग्रीक में जो हिस्ट्री है उसमें झेलम नदी को हिडेस्पस के नाम से जाना जाता है। तो तक्षशिला, पंजाब, गांधार वगैरह बहुत बहुत छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देते थे, लेकिन पोरस ने सिकंदर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ हिडेस्पस, जो कि मई 326 बीसी में ये लड़ाई हुई थी ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम। All other kings submitted easily to Alexander except Porus. तो पोरस ही एकमात्र वो राजा थे जिन्होंने सिकंदर का सामना किया और युद्ध किया। बाकी सभी जो राजा थे, छोटे छोटे राज्यों के राजा थे, उन्होंने सिकंदर से डर के, सिकंदर के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकतर राजाओं ने बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पोरस ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी वो इतिहास में अमर हो गए। When Alexander reached ब्यास रिवर, his soldiers refused to go further, so he was forced to retreat. ये एक ऐसा प्रसंग है जो मैंने अभी लाइन पढ़ी है कि When Alexander reached ब्यास रिवर, his soldiers refused to go further. ब्यास नदी को पार करने से अलेक्जेंडर की फौज ने मना कर दिया, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इस बात से इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं, कुछ मतभेद भी हैं, लेकिन पॉपुलर हिस्ट्री है उसमें यही माना जाता है कि अलेक्जेंडर की सेना काफ़ी थक चुकी थी, काफ़ी युद्ध उन्होंने लगातार लड़े थे और इस थकान की वजह से उनको ऐसा लगा कि अब ब्यास नदी को क्रॉस नहीं करना चाहिए और वापस चलना चाहिए। अलेक्जेंडर ने इस भावना का ख्याल रखते हुए अपनी सेनाओं को वापस लौटने का आदेश दिया और इस तरह से भारत के अन्य क्षेत्रों में, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के क्षेत्रों में ही सिकंदर का प्रभाव रहा। सिकंदर वहीं पे युद्ध लड़े, उसके आगे वो नहीं आए। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर विवाद भी काफ़ी है, चर्चाएं भी काफ़ी हैं, काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, लेकिन पॉपुलर हिस्ट्री जो है वो यही कहती है। जब सिकंदर जा रहे थे तो उन्होंने 12
स्टोन अल्तार्स बनाए थे, तो ये वेदियां बनाई थी उन्होंने, 12 स्टोन अल्तार्स, पत्थर की बड़ी बड़ी वेदियां बनाई उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि यहां तक वो आए थे। ये उनका फार्देस्ट पॉइंट था। टू मार्क द फार्देस्ट पॉइंट ऑफ हिज एडवांस ही एरेक्टेड 12 स्टोन अल्तार्स ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्यास। तो कहाँ बनाए थे? नॉर्दर्न बैंक, जो ब्यास की उत्तरी, जो उत्तरी किनारा था, वहाँ पे इन्होंने ये स्टोन अल्तार्स बनाए थे, ताकि वो बताया जा सके कि यहाँ तक ये फार्देस्ट पॉइंट है जहाँ तक सिकंदर आए थे। सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रहे। ही रिमेंड इन इंडिया फॉर 19 मंथ्स एंड डाइड इन 323 BC एट बेबीलोन। और 323 BC भारत में आने के 3 साल बाद बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई। अलेक्जेंडर भारत में आए तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अलेक्जेंडर उन प्रथम लोगों में से थे जो भारत में आक्रमण के उद्देश्य से आए थे। तो जब अलेक्जेंडर भारत में आए तो उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा? पहला इफेक्ट तो ये पड़ा कि इट एक्सपोज्ड इंडिया टू यूरोप बाई ओपनिंग अप फॉर डिस्टिंक्ट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 by land and 1 by sea। अलेक्जेंडर भारत आए तो एक नया रास्ता ओपन हुआ, एक नया रास्ता खुला यूरोप और एशिया और भारत के बीच में। एशिया तो ठीक है, भारत तक एक नया रास्ता ओपन हुआ। यूरोपियंस को भारत आने का एक नया रास्ता मिला, एक नया आइडिया मिला। और इसमें कौन कौन से रास्ते, किस तरह के रास्ते मिले? 3 by land, 3 रास्ते जो कि थल से, और 1 रास्ता सी से यानी समुन्दर से मिला। तो इस तरह से 4 लाइंस ओपन हुए यूरोप से भारत आने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट था। दूसरा जो इफेक्ट था वो था कि ड्यू टू कल्चरल कॉन्टैक्ट अ कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट केम अप इन गांधार। गांधार जो कि अफगानिस्तान का एरिया हुआ करता था, वहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट आया, जिसमें जो नेटिव आर्ट था, उसी स्थानीय जो आर्ट एंड कल्चर था वो, और यूरोपियन आर्ट एंड कल्चर को मिला के एक नया एक स्कूल ऑफ आर्ट बना, जिसे कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट। और ये कैसे बना? ये कल्चरल कॉन्टैक्ट से बना। जब दो कल्चर्स आपस में मिले, एक दूसरे को जाना परखा, एक दूसरे की कमियों को दूर किया और कुछ नई चीज़ें सामने आई, तब जाके कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट सामने आया जो कि गांधार में था। तीसरी चीज, इट पेव्ड द वे फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर चंद्रगुप्त मौर्य बाई वीकनिंग स्मॉल स्टेट्स। मौर्य साम्राज्य के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग जानते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज उभर के सामने आती है। वो ये है कि भारत का जो पूरा एरिया था, इसका यूनिफिकेशन, अखंड भारत बनाने की कल्पना चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने ऐसी कल्पना क्यों की थी? क्योंकि उन्हें जब पता चला कि अलेक्जेंडर भारत की ओर आ रहा है और अलेक्जेंडर विश्व विजेता है, तो उन्हें इस बात का डर था कि अलेक्जेंडर यदि यहाँ पे जीत गया तो फिर हमारा जो पूरा कल्चर है, जो हजारों साल का जो हमारा पूरा हिस्ट्री और कल्चर है और हेरिटेज है, ये समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सभी राजाओं से, अधिकतर राजाओं के पास वो गए और उन्होंने कहा कि सभी लोग आपस में मिल के अलेक्जेंडर का सामना करें और अखंड भारत की स्थापना करें। अखंड भारत की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के शिष्य के रूप में ये उनका सपना पूरा किया था। तो यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया ये अलेक्जेंडर के आने के बाद हुआ। अलेक्जेंडर के आने की खबर से ही ये चालू हो गया और अलेक्जेंडर जो है जो वापस चले गए, तो उसके बाद यहाँ के राजाओं को लगा कि नहीं, अब एक हो जाना चाहिए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करके एक अखंड भारत की भी स्थापना की थी। तो इट पेव्ड द वे फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर चंद्रगुप्त मौर्य बाई वीकनिंग स्मॉल स्टेट्स। तो छोटे छोटे स्टेट्स को समाप्त किया गया, एक बड़े स्टेट की स्थापना की गई और इस तरह से नॉर्थ इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ। तो ये कहानी थी अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण करने की। यदि आपका कोई सवाल हो, आपका कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/operinistic, इसे भी जरूर लाइक करिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक बार फिर से। नमस्कार।